हम सुन्नी बरेली वाले हैं, हम सुन्नी बरेली वाले हैं। बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारा लगाने वाले। हेलो, कॉल काट गया उधर, आवाज पता नहीं जा रही थी नहीं जा रही थी। हाँ पता नहीं, आवाज ही नहीं आ रही थी। अब करेगा दोबारा से कॉल? एक बार मुझे भी सुनाओ। हाँ मगर ये बहुत बड़ा बड़बोला है, बोलता बहुत है। ये भी उस असगर देवबंदी से आ गया ये। अच्छा हाँ, लेता हूँ मैं इसे लाइन पे। आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है, जावेद भाई? हाँ। अच्छा भैया देवबंदी, हेलो, फिर से भाग गया। कुछ फिर से भाग गया, फोन क्यों कर रहे आप फिर ये? खाली नाम से। अच्छा आ गया इसका कॉल, मैं दोबारा लेता हूँ। हेलो, आप जिस व्यक्ति, हाँ हेलो हेलो जी, कौन बोल रहा है? गाड़ी बुक करनी थी। हेलो जी, कौन बोल रहा है? गाड़ी बुक करनी थी। सबसे पहले अगर कोई देवबंदी इस ऑडियो क्लिप को सुन रहा है या कोई मुफ्ती सुन रहा है तो सुन लीजिए, आपके ये लोग फालतू में कॉल करता है। अब बताइए आपने ऑडियो सुना किस तरह ये कॉल लगा रहा था बार बार, और ये बोल रहा है गाड़ी बुक करना है। बताइए ये गाड़ी बुक करने के लिए कॉल लगाता है? तो इस तरह का तुम लोगों का जहन दिमाग है, और तुम लोग सिर्फ बात करने के लिए नहीं आते हो, बस बकवास करने के लिए आते हो और सिर्फ अपनी बात बताने के लिए आते हो। आप ऑडियो में आगे सुनेंगे तो इस ऑडियो क्लिप के सुनिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अच्छा अली असगर बोल रहा हूँ। अच्छा बोलो देवबंदी असगर। टाइम तो नहीं है, बोलो क्या मामला है, क्या सबक याद करके आए हो आज? मामला है तुम्हारे पर्सनल हवाला भेजो। देखो ऐसे कुछ नहीं, हवाले मेरे पास भी बहुत हैं। मामला क्या है, पहले मामला बताओ। मामला ये है ये सवान आला हजरत सफा नंबर 302 में लिखा हुआ है कि अल्लाह अल्लाह सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अता फरमुदा उलूम का हामिल यानी तुम्हारा मुजद्दिद अपने इंतकाल से 4 माह 22 दिन पहले अपने विसाल की खबर दे रहा है। ठीक है, यानी अपने इंतकाल की खबर दे रहा है, सही है ना? अच्छा फिर इस पर एतराज? मैं सवाल कर रहा हूँ अभी, मेरा एतराज और हुकुम भी लगा दीजिए और एतराज भी बता दीजिए। और फिर जो हुकुम यहाँ आप लगाओगे, अगर यही चीज मैंने आपके घर से अगर कही तो हुकुम देवबंदियों पर भी लगाना है कि नहीं लगाना है, ये बताइए पहले। जी जी जी, लगाओगे ना हुकुम? अरे फिर हमारे घर पे नहीं नहीं नहीं, देखिए उसूल तो उसूल होना चाहिए, उसूल तो उसूल होना चाहिए। जो हुकुम किसी एक आदमी पर लग रहा है, अगर वही सजा, अगर वही जुर्म कहीं दूसरी जगह पकड़ा जाता है तो वही सजा वही कानून उधर भी लगना होगा ना। इसमें तुम्हारा जुर्म है, इसको मैं वाजे कर रहा हूँ अभी। अगर यही जुर्म देवबंदियों में पकड़ा गया तो उस पर भी वही हुक्म आएगा कि नहीं, इस पर पहले हुक्म लगाओ आप। मैं क्यों फोन किया हूँ कि हवाला? अरे यार पहले हुक्म लगाओ, हुक्म लगाओ यहाँ, और फिर यही हुक्म उलमाए देवबंद पर भी लगाना अगर ये सजा वहाँ पाई जा रही हो। अच्छा तुम्हारा जुर्म क्या है मैं बता रहा हूँ तुमको, दूसरा हवाला देकर के। अरे यार मैं जो कह रहा हूँ, मेरी आवाज नहीं सुनी क्या? मेरी बात समझ नहीं आई? सब समझाऊ मैं, सब समझाऊ। 4 महीने पहले विसाल की खबर देना, ये आपके नजदीक क्या है? बता रहा हूँ। अरे यार बता रहा हूँ नहीं बता रहा हूँ, मतलब पहले इसी की वजाहत करना, इधर उधर को मत दौड़ना, कुलाचे मत मारना इधर उधर। हम कह रहे हो ना, क्यों फड़फड़ कर रहे हो अली अजहर की आवाज़ सुन करके? ये देखो तुम हमेशा कहते रहते हो कि देवबंदी हजरात जिस बात का नबी अलैहिस्सलाम के लिए इनकार करते हैं वही बात अपने अकाबिर के लिए मांगते हैं।
ठीक है, इतहाजिल नाजिर इल्म गैब, तुम्हारा ये दावा होता है कि देवबंदी हजरात अपने नबी अलैहिस्सलाम को जो इनकार करते हैं अपने असाबिर के वही मानते हैं। अब मैं सवाल आला हजरत पेश किया हूँ। अरे मैंने पूछा है कि जो तुम यहाँ बात पेश कर रहे हो इस बात पर शरीयत का हुक्म क्या लगेगा? ठीक है, पहले आप हुक्म लगा दो, और अगर यही बात देवबंद में पाई गई, ठीक है, अगर यही बात, यही जुर्म अगर देवबंद में पाया गया तो उस पर भी वही हुक्म लगेगा या नहीं लगेगा? बस इतना पूछ रहा हूँ यार, मैं कोई दूसरी भाषा थोड़ी बोल रहा हूँ, मेरी भाषा समझ में नहीं आ रही क्या? जवाब दे रहा हूँ, नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा भाई? नहीं लगेगा, बता रहा हूँ। तेरे बाप की सरकार चल रही है, जवाब तो सुनना, तू क्यों नहीं लगेगा? नहीं, तेरे बाप की सरकार चल रही है, एक तरफ तो हुक्म लगाएगा और एक तरफ नहीं लगाएगा, एक तरफ हुक्म लगेगा और एक तरफ नहीं लगेगा। तेरे बाप का कानून चल रहा है, मैं हुक्म लगाया हूँ, तेरे बाप का कानून चल रहा है, तेरे बाप का कानून चलेगा? ये है क्या कर रहा है बे जाहिल, घबरा गया। अरे तेरे जैसे 36 नस्ल की नाजायज औलादे आती हैं यार, मैं घबराने वाला हूँ? तेरे पास कुछ नहीं है, मैं घबराने वाला हूँ? मैं तो ये कह रहा हूँ तू तो हुक्म लगा दे यहाँ, अगर यही जुर्म देवबंद में पाया गया तो उन पर भी तू हुक्म लगाएगा वही या नहीं लगाएगा? नस्ल की नापाक औलाद बिल्कुल हीला बीला समझ रहा है? अरे तू समझ क्या रहा है? कज़्ज़ाब जज्जा समझ रहा तुझे? नहीं, अबे नजदीक की नाजायज औलाद का जाप तो तू है, और किसी वहशी औरत की गलत हरकतों का गलत नतीजा तो तू है, जमातियों की मेहनत का नतीजा तो तू है, समझा? जमात की मेहनत से पैदा हुआ है साले, तू अपने बाप की औलाद थोड़ी है, तू तो जमात की मेहनत से इस दुनिया में आ गया। आए समझ में? तेरे बाप चले गए जमात में और तेरी अम्मा ने मुंह काला किया जमात वालों से जो तेरे गांव में आए थे, हरामजादे। नज़्द की नापाक औलाद, गाली क्या है, हकीकत बोल रहा हूँ। गालियां दे रहा है, अबे गाली क्या है यार, सच्चाई में भी कोई गाली होती है? अरे यार, शरे में शर्म नहीं, मशवरे में गाली नहीं। अबे हरामी को हरामी ना कहा जाए तो क्या कहा जाए? हरामी बहुत सारे हैं मगर हर हरामी गुस्ताखे रसूल नहीं होता। हाँ, मगर जो गुस्ताख रसूल होता है उसके हरामी होने में कोई शक नहीं होता, समझा? जो गुस्ताख होता है, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुस्ताख है, जो हुजूर की बेअदबी करता है, जो हुजूर के लिए ऐसी बात बोलता है कि जैसे कोई आम आदमी के लिए बोली जाए, अरे ऐसे हरामी के हरामी होने में क्या शक है यार? काफिर बहुत सारे हैं, समझे? काफिर बहुत सारे हैं मगर हर काफिर गुस्ताखे रसूल नहीं होता, मगर जो गुस्ताखे रसूल हो उसके काफिर होने में शक नहीं होता, चाहे नाम कुछ भी हो। बात समझ में आ रही है बे? देव के बंदर, देव के पुजारी, हाँ साले तूने रात कॉल नहीं उठाया, ताहिर अला कादरी साहब कॉल करते रह गए तुम दोनों को। अरे कोई बात तैलन, तेरे दामाद कॉल कर रहे थे, तूने कॉल भी नहीं उठाया, और तेरी अम्मा को, इसको असगरी बेगम को भी कॉल कर रहे थे, साले दोनों को सांप सूंघे था क्या? साला आया सबक की याद करके, तू पहले यहाँ हुक्म लगा दे, यहाँ पहले हुक्म लगा दे, उसके बाद में आगे कोई बात कर। पहले हुक्म लगा दे यहाँ, फिर मैं जो है बताता हूँ तुझे देवबंद से किस किस ने क्या क्या कारनामा अंजाम दिया है। साले बिल्कुल नया समझ रहा है, देव का बंदर था देवबंदी सबक पढ़ का आया या सबक याद करके। हेलो जावेद भाई, हाँ तो भाग गया, हाँ सबक याद करके आया है? हाँ आ गया। इंडिया से दिन भर में 36 आते रहे हैं। मैंने कहा इंडिया से 36 आते रहे हैं दिन भर में। एक बात ये है भाई, अगर ये हक पे है तो ये कह दे हाँ, जो हुकुम वहाँ लगेगा वो यहाँ लग जाएगा भाई, है नहीं है? मार एक तरफ करिए यहाँ हुकुम लगेगा, दूसरी तरफ करे ना वहाँ कोई हुकुम नहीं लगेगा। हाँ यही लगेगा, तो यही लगेगा दिल में। तो ये आम आदमी के दिमाग में ये बात आ रही है, तभी तो आदमी सुधर रहा थोड़ा। हाँ एक भी उधर घुमा, इन्होंने इन देव के मंदिरों ने अल्लाह ताला के भी इल्म का इनकार कर दिया। अच्छा
हाँ ये जो इनकी फजूल है वो क्या सिस्टम है, वो एक दिन में यूट्यूब पर देख रहा था निकाय एशिया वाला क्या सिस्टम है वो। अच्छा 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 मुता हाँ हाँ पता नहीं क्या मैटर है इनका वो हाँ वो एग्रीमेंट है जैसा हमारे तुम्हारे यहाँ किराए पे दुकानें ली जाती हैं ये घर लिए जाते हैं एग्रीमेंट कराया जाता है वैसे यहाँ इनके यहाँ ये अदला बदला होता है मतलब चेंज करते रहते हैं ये लोग। अच्छा मतलब क्या कहते हैं किसी भी औरत को तीन को किराए पे ले सकते हैं। बहुत समझदार है यार तुम बहुत जल्दी समझ गए बदतमीज लोग ये कब को सुधरेंगे यार तो ये तो भाग गया फिर ये तो भाग गया अब नहीं भाई अब पूरी तैयारी करके आगे थोड़ा और पड़ेगा अभी अब और सब याद करेगा अब तलाश करेगा पॉइंट में क्या पॉइंट तलाश करूं आगे ये उधर को कहा कह रहे हैं कि मतलब वहां भी यही चीज निकलेगी। हाँ असल में ये भोले भाले लोगों को ना धोखा देते रहते हैं कमीने सोच रहा होगा कि यार इसके पास तो इसका कोई जवाब ही नहीं होगा तो घुमाया। अच्छा ये साले असल में बात क्या है ये तो बड़बोले बहुत होते हैं बोलते बहुत हैं और जो पूछो वो जवाब नहीं देते इधर की उधर उधर की उधर की उधर ऐसा करते हैं ये लोग। नहीं अगर कोई हक से है तो उनसे पूछते भाई देखो इंडिया का कानून है हमारे जो कानून चोरी वाले को उस दूसरे को मिलेगी वही दूसरे को मिलेगी। हाँ आर्टिकल तो एक ही लगेगा उसके ऊपर जी 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 हाँ जब आर्टिकल एक ही लगेगा तो एक तरफ तुमको नहीं लगेगा और एक तरफ लगेगा। अच्छा एक और चीज मैं आपको समझाऊं यहाँ किसी को मारने की सजा कत्ल करने की सजा 302 है यही है ना यही है। तो अब उसे गला घोट के मारो या बंदूक से मारो या तलवार से मारो वो सजा जो है वो 302 ही कानून उस पे आएगा। 302 ही आएगा कत्ल की सजा क्या है 302 है 302 है। अब इधर तो वो कह रहा है कि हाँ यहाँ मतलब हुक्म लगेगा और उधर अगर वही सजा पाई जाए वही जुर्म पाया जाए तो फिर उधर क्यों नहीं लगेगा। हाँ उधर क्यों नहीं लगेगा खैर उधर नहीं लगेगा क्यों नहीं लगेगा तेरे बाप की सरकार है मैंने म्यूट कर दिया था मुझे हंसी बोल आ रही मैंने म्यूट कर दिया था और दुकान पे ही हो। हाँ दुकान पे हूँ। चलो माशाल्लाह मम्मा भी आई होंगे। हाँ चलो चलो ठीक है फिर यही का पूरा दिन यही रहता है आते ही रहते हैं आते ही रहते हैं जिल्लत और रुसवाई के टॉक अपने गले में डाल कर भाग जाते हैं। चलो ठीक है अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम।